लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था लिटिल फ्री डॉक्टर ने बॉम्ब को रिपेयर कर दिया था, जिस वजह से जियान तैयार हो चुका था अब सेंट्रल प्लेन के लिए जाने के लिए। इसी वजह से जो जियान की पलटन होती है वो स्पेस बोट के ऊपर आ जाती है और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ हमें बॉम्ब होल दिखाया जाता है जो की एक टनल की तरह होता है और जियान अपनी बोट से उसमें काफी फास्ट तरीके से सेंट्रल प्लेन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, मगर वहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। इस वजह से जो छोटा पैकेट था वो काफी बोर हो रहा होता है और इनपे जो जियान था उस बोट के अंदर कंटिन्यू अपनी ब्रेकी डाल रहा था, जिस वजह से वो आगे बढ़ती जा रही थी। मगर तभी वहाँ पे लिटिल फ्री डॉक्टर आ जाती और जियान से बोलती कि अब मैं करती हूँ और फिर अपनी ब्रेक स्पेस बोट के अंदर डाले आती है, जिस वजह से जियान अपनी ब्रेक डालना बंद कर देता है और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है और लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलता है कि अभी के लिए हम लोगों को इस वॉर्म होल के अंदर एंटर करे हुए कितने दिन हो चुके हैं। ये सुनकर लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है 16 दिन हो चुके और हमें कुछ दिन और लगेंगे अपनी डेस्टिनी पे पहुँचने में। ये सुनकर जियान थैंक यू बोलता है लिटिल फ्री डॉक्टर को और बोलता है अब तुम बहुत ही जल्दी अपनी पॉइजन बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाओगी, क्योंकि अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट हो चुके हैं। मगर मुझे इस बात की टेंशन है अभी के लिए हमारे पास एक Tier 6 का मॉन्स्टर का कोर है, जैसे यूज करके अगर हम लोग कोई पिल वगैरह बनाते हैं वो सर इतनी इफेक्टिव ना हो तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि अभी के लिए हमें Tier 7 की कोर को ढूंढना चाहिए जब तक हमारे पास टाइम है। ये सुनकर लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती जैसा तुम्हें दिखाई दे वैसा करो। ये सुनकर जियान बोलता ठीक है क्योंकि तुम मेरी दोस्त है, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए सब चीजें एकदम बेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिटिल फ्री डॉक्टर जियान को प्यार से देखने लगती, तभी अचानक से उनकी स्पेस बोट के ऊपर काफी सारे पत्थर आकर टकराते हैं, जिस वजह से पूरी बोट हिलने लगती है और जो छोटा पैकेट बोट के ऊपर बैठा उवासिया ले रहा होता है उसी तरह लुढ़कती हुई जाकर नीचे गिरता है और फिर खड़ा होता है और मस्त अंगड़ाई लेता और बोलता है क्या हुआ। और यहीं पे जो सिलन होती है उसकी हालत को देखकर अभी के लिए ऐसा लग रहा था इधर चली मैं उधर चली, जाने में कहां फिसल गई। और तभी जोर से चिल्लाती सभी लोगों से बोलती अभी के लिए जो बॉम्ब होल वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और यहाँ पर स्पेस स्टॉर्म आ चुका है। ये सुनकर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अपनी और भी देखी स्पेस स्टार्टर के अंदर डाल देती है, इससे वो और भी अच्छे से स्पेस बोट को कंट्रोल कर पाए। तभी जब सिलन से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता जैसे हम लोग यहाँ से बच के निकल पाए। अभी के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है क्योंकि हम लोग अभी के लिए डाउन पर नहीं है और इसी वजह से अब हम लोग का यहाँ से बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तभी अचानक से जो छोटा पैकेट और सिलन होती है और जियान वगैरह सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा पत्थर आगे बढ़ रहा होता है और इसी वजह से जो जियान होता है वो भी अपनी ब्रेकी को निकाल लेता है और स्पेस स्टार्टर के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो और भी अच्छे से कंट्रोल कर पाए बोट को। तभी जो पत्थर होता है उनसे टकराने वाला ही होता है, तभी जियान उस बोट को पूरी तरीके से काट देता है, जिस वजह से जो बोट होती है उससे बार बार टकराने से बच जाती है। मगर ऐसा करने में जियान को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर अभी के लिए फिलहाल के बच्चे को होता है। तभी उसकी नजर वो बोल के टूटे हुए रास्ते के ऊपर पड़ती है और सिलन से पूछता कि अभी के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जहाँ हम लोग निकल पाए अभी के लिए। जिस निकल सिलन रास्ते को ढूंढे थे तभी उसे एक रास्ता दिखाई दे जाता है और वो जियान से बोलती कि हाँ निकलने का रास्ता तो है, मगर स्पेस स्टोन से बाहर निकलना हम लोगों की बस की बात नहीं है क्योंकि इससे सिर्फ एक डाउजूम ही बाहर निकल सकता है। ये सुनकर जियान बोलते कि हम लोगों को ट्राई तो करना ही होगा, शायद हम लोग सक्सेसफुल हो जाए। ये सुनकर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो हमें सारी ला देती है और फिर जो लिटिल फ्री डॉक्टर से बोलते कि अभी के लिए तुम इस बोट को प्रोटेक्ट करो और मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करता हूँ। ये सुनकर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो झट से अपने पॉइजन स्नेक की फॉर्मेशन को बोट के चारों बना लेती, जिस वजह से बोट के ऊपर जो पत्थर लग रहे होते हैं वो नहीं लगती है। और फिर जो छोटा पैकेट और सिलन होती है उसने बोट को कसके पकड़ रखा होता है क्योंकि स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा था और फिर लिटिल फ्री डॉक्टर को उस शील्ड को कंटिन्यू बनाने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। और एक बार जियान भी नोटिस कर लेता और अपने मन में बोलता कि लिटिल फ्री डॉक्टर को इस फॉर्मेशन को बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही और वो ज्यादा लंबे टाइम तक इसे नहीं संभाल पाएगी, जिस वजह से लिटिल फ्री डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही थी। तभी अचानक से जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो पीछे हट जाती है और जियान उससे पूछता तुम ठीक तो हो ना, तो लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती है मैं ठीक हूँ। मगर तभी जो जियान होता है वो जिया से बोलता है जल्दी से अपनी स्पेस पावर का यूज करो। ये सुनते हैं जो छोटा पैकेट होता है वो अपने बड़ के पैकेट के रूप में आ जाता है और बोट के आगे पीछे दो बैरियर बना देता है, जिस वजह से आगे से चीजें आ रही थी और पीछे से निकलती जा रही थी। मगर इतनी ज्यादा भयानक पावर का यूज करने की वजह से जिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और ये सब देख के सिलन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है इतनी छोटी सी बॉडी के अंदर इतनी खतरनाक पावर। और ये जियान की जो स्पेस बोट होती है उस स्पेस स्टोन से बाहर निकल आती है और साथ ही जो बड़ा पैकेट होता है वो वापस छोटे पैकेट में आ जाता है क्योंकि उसकी बैटरी लो हो चुकी थी। अभी जन जिया से पूछता तुम ठीक तो ना, ये सुनकर जिया बोलती है तुम चिंता मत करो मैं बस थोड़ी सी वीक हो गई हूँ। ये सुनकर जियान काफी रिलैक्स हो जाते हैं और फिर लिटिल फ्री डॉक्टर और जियान अपनी ब्रेक डाल के वहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अभी के लिए सब कुछ ठीक हो चुका है। मगर तभी कहानी में आ जाता है ट्विस्ट क्योंकि जो स्पेस स्टोन होता है उसका सक्शन फोर्स जियान की बोट को पीछे की तरफ खींचने लगता है और फिर से उनकी बोट स्पेस स्टोन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और इसी वजह से पूरी बोट के अंदर उथल-पुथल होने लगती है। और एपिजन थोड़ी देर को सोचता और बोलता कि जिया जल्दी से तुम मेरी जगह पर आओ, मैं उतर के इस बोट को धक्का मारता हूँ। जैसे जो छोटा पैकेट होता है वो जियान की जगह पे जाने लगता है और वहाँ से जियान जाने लगता है बोट के बाहर। तभी लिटिल फ्री डॉक्टर बोलती कि तुम अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें कुछ भी गलत दिखाई दे तुम झट से उसे छोड़कर हमारे पास वापस आ जाना। तभी जियान अपने वोल विंग्स निकालता है और झट से बोट के पीछे आ जाता है और अपनी देगी को निकाल के बोट को आगे की तरफ पुश करने लगता है। मगर जो स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स था वो बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से जियान को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इसी वजह से ये अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है, जिस वजह से पूरी बोट के अंदर थंडर दौड़ जाता है और फिर जिन अपनी पूरी पावर के साथ उसे आगे की तरफ पुश करने लगता है और जिन ऐसा करने में सफल भी हो जाता है और वो आगे की तरफ बोट जाने लगती है। और इसी के सिलन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, तभी जिन उस बोट को पुश कर देता है जिस वजह से वो बाहर निकलने वाले रास्ते चाहिए। और पे जो जियान होता है वो भी बाहर निकलने की सोच रहा होता है, मगर तभी स्पेस स्टोन का जो सक्शन फोर्स होता है वो और भी बढ़ जाता है। तो जियान झट से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जियान 4 कदम आगे बढ़ाता है तो जियान 6 कदम उसके पीछे जाने लगता है। और जब ये लिटिल पिग डॉक्टर और जिया देखते तो काफी टेंशन में आ जाती है और जियान को जोर जोर से पुकारने लगती है, मगर जियान उससे बच के बाहर निकल पाता। उससे पहले जो उनकी बोट होती है वो बोमोल से बाहर निकल आती है और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्पेस बोट पड़ी होती है और साथ ही जो सिलन और लिटिल पिग डॉक्टर और जिया होते हैं वो एकदम ठीक ठाक होते और वो जियान को यहाँ देख रहे होते हैं। तभी जिया बोलती कि जियान कहाँ पर है और वो हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आया, मगर लिटिल पिग डॉक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। इस वजह से वो दोनों वापस बोमोल के अंदर जाकर जियान को ढूंढने का डिसाइड करते हैं और वो जा लेते। तभी सिलन उन्हें रोक लेती है और बोलती है तुमने जैसा की देखा बोमोल अभी के लिए कितनी बुरी तरीके से डैमेज है, इस वजह से अगर तुम वहाँ पे जाती हो तो तुम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगी। और रही बात जियान भाई की, तो मुझे ऐसा लगता है की वो वहाँ से बाहर निकल चुकी है क्योंकि ये फॉर्मेशन तभी चमकता है जब कोई बोमोल से बाहर निकलता है। और हम जब लोग बोमोल से बाहर निकले थे उसके बाद भी ये एक बार और चमका था और वो जियान भाई के बाहर निकलने की वजह से चमका था। मगर तभी वो दोनों बोलते मगर क्या, ये सुनकर सेलन बोलती लगता है जो जियान भाई हूँ अभी के लिए कहीं और इलाके में निकले सेंटर पेन के। ये सुनकर छोटा पैकेट तो ठीक है, तो फिर मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और ये सुनकर लिटिल पिग डॉक्टर उसके साथ जाने लगती है, मगर तभी सेलन बोलती है सेंटर पेन काफी तो बड़ा और हमें ये भी नहीं पता है अभी के लिए जियान भाई कहाँ पर है और इसी वजह से उन्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर लिटिल पिग डॉक्टर बोलती है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे ढूंढ कर आऊंगी। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक काफिला जा रहा होता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते ये लड़का कितना ज्यादा लकी है जो की आसमान से टपकने की बात भी नहीं मरा, मगर जो हमारी सेकंड प्रिंसेस है अगर वो इतनी दयालु नहीं होती ये लड़का वहीं पे डला-डला मर जाता क्योंकि ये मैजिकल बीस्टों का खाना बन जाता। तभी हमें एक बोगी के अंदर जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए बेहोश पड़ा हुआ होता है और उसके चेहरे पे चोटें भी लगी थी। तभी एक बंदा होता है जिसका नाम हैंगचोंग होता है वो एक बगी के पास आता है और बोलता है सेकंड प्रिंसेस अभी के लिए हम लोग वाटर रिसोर्सेज वाले एरिया के अंदर पहुंच चुके हैं और इसी वजह से ये जगह हमारे कैंप लगाने के लिए काफी अच्छी है। ये सुनकर उस बगी का पर्दा हटता है और उसमें से आवाज आती है सच में ये जगह काफी अच्छी है, मगर अभी के लिए तुम्हें आसपास के एरिया को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए उसके बाद ही कैंप लगाना। ये सुनकर हैंगचोंग हमें से ला देता है और फिर वो थोड़े से एरिया को चेक करते और फिर एक जगह पर रुक जाते और अपना कैंप सेटअप करने लगते हैं। और ये जियान जो बगी के अंदर लेटा हुआ होता है उसे भी अब थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और जब वो बगी को देखता है तो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उसने उस बोट को देखा था। ये सोचकर उसे अपने दोस्तों की चिंता होने लगती और वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए वो लोग एकदम ठीक तो होंगे ना। तभी उसे अपनी कंडीशन के बारे में पता चलता है और बोलता है की अभी के लिए मुझे अपने आप को जल्दी से जल्दी रिकवर करना होगा जिसके बाद ही मैं अपने दोस्तों से मिल पाऊंगा। और फिर उस बगी से बाहर आ जाता लड़खड़ाता हुआ, तब सभी लोग अभी के लिए काम कर रहे होते हैं और अपने बम्बू को तंबू में गाड़ रहे होते हैं। तभी हैंगचोंग जियान के पास आ जाता है और बोलता है कि तुमने तो इतनी जल्दी अपनी इतनी खतरनाक इंजरीज को भी रिकवर कर लिया, मगर फिर भी अभी के लिए तुम बैठ जाओ और थोड़ी सी फ्रेश एयर ले लो। मगर तभी जियान उसे ग्रीट करता और बोलता है कि मेरा नाम जियान है और मैं आपको क्या बुला सकता हूँ। ये सुनकर वो बोलता है कि मेरा नाम हैंगचोंग है तो मुझे हैंगचोंग बुला सकते हो। ये सुनकर जियान बोलता है थैंक यू बड़े भाई हैंगचोंग मुझे रेस्क्यू करने के लिए। ये सुनकर हैंगचोंग बोलता है कि मैंने तो बस ऑर्डर को फॉलो किया है जो कि मुझे सेकंड प्रिंसेस ने दिए थे, इसलिए तुम्हें असलियत में जो बचाने वाली है वो सेकंड प्रिंसेस है। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब पे बम्बू तंबू लग चुके होते हैं और सभी लोग आग जलाकर उसके पास बैठे हुए होते हैं। तभी जियान के पास हैंगचोंग आ जाता है और उसे देसी देता और बोलता है कि इसे पियो थोड़ा सा अपने आप को गर्म कर लो। तो जियान सभी लोगों को थैंक यू बोलता और उसे घटक जाता है और वो भी एक बार में, इससे पता चलता है कि वो टर्की के साथ साथ एक नंबर का पेवक्कड़ भी है। और ये बात वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग जियान से बोल रहे होते हैं और फिर वो लोग भी खाने पीने लगते और जियान से बोलते कि लड़के तुम एकदम सूटेबल रहोगी हमारे लिए एंड फैमिली की गार्ड के लिए। और ये बात ये लोग इसलिए बोल रहे होते क्योंकि जियान पेवक्कड़ एक नंबर का है और ये कैसे जज किया जा रहा है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तभी जियान हैंगचोंग से पूछता कि अभी के लिए हम लोग सेंट्रल पेन के अंदर ही है ना, और अगर सेंट्रल पेन के अंदर है तो टावर अभी के लिए कितना दूर है। ये सुनकर हैंगचोंग हंसने लगता है और बोलते कि अभी के लिए तुम सेंट्रल पेन के अंदर ही और नॉर्थन वेस्ट रीजन के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम पिल टावर से तो नहीं हो मगर तुम अभी के लिए पिल टावर जाना चाहते हो। मगर मैं तुम्हें बता दूं अभी के लिए जो तुम्हारी इंजरीज है वो बहुत ही गहरी है, इस वजह से तुम तब तक रुक जाओ जब तक तुम्हारी जो इंजरीज है वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जाती है। ये सुनकर जो जियान होता है वो हमें से ला देता है और फिर उन सभी लोगों को देखने लगता है जो कि अभी के लिए एकदम फुल मजे कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उन लोगों से बोलती है अभी के लिए तुम लोग यहाँ से जाओ और जाकर पैरा दो आसपास में और अपने साथ कुछ लोगों को भी ले जाना। ये सुनकर वो सभी लोग खड़े हो जाते और सेकंड प्रिंसेस के नाम से ग्रीट करते उसे। ये सुनकर वो लड़की बोलती कि थैंक यू सो मच आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो, मगर जब तुम लोग निगरानी रख रहे हो तब तुम बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करोगे और जो बाकी के लोग है वो भी कम ड्रिंक करेंगे क्योंकि जो हमारा कल का सफर है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं एवं सिख स्वामीन के इलाके से। ये सुनकर सभी लोग उसे ग्रीट करते और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। और एपिजन उस लड़की को देख के काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी इतनी सी छोटी सी एज के अंदर ही ये लड़की डाउबेन पे पहुंच जाएगी, मगर साथ ही मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा इस लड़की से मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज क्यों आ रही है। एपिजन उसे जाते ही रोकता और बोलता की मेरा नाम जियान है और आपने मेरी लाइफ बचाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर वो लड़की रुक जाती तभी जियान उसे पूरी कहानी बताता है की वो किस तरीके से सेंट्रल पेन के अंदर आ रहा होता है वो मोल की मदद से, मगर उसके बीच में एक स्पेस स्टोन मिल जाता है और उसकी वजह से उसकी हालत ये हो जाती है। ये सुनकर वो लड़की बोलती, कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए, मगर साथ ही तुम काफी लकी है जो तुम वहाँ से बच के निकल आई, वरना वहाँ पे जो भी जाता वो मारा जाता है। और वैसे मेरा नाम एंजो ही है और अभी के लिए तुम एनप्लेन की मेडिकल हीलिंग पिल को ले लो, जिससे जो तुम्हारी इंजरी है वो काफी हद तक हील हो जाएगी। ये बोल के एंजो यहाँ से चली जाती है और एपिजियन ये सब देखकर बोलता है, एनप्लेन के लोग तो बहुत ही प्यारे हैं, चाहे फिर वो एंजो ही हो चाहे हैंचोंग हो। और फिर जिन ग्रुप के लोगों को देखता है और बोलता है कि अभी के लिए सभी लोग काफी कमजोर है, मगर ये लड़की फिर भी इनको बहुत ही अच्छे से रीड कर रही है। और इस लड़की ने जितना मेरे लिए किया है, मैं इसके बदले इसको मैं डबल लौटा दूंगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। उनको काफियाना पहुंच चुका था बियोन से स्वामी के इलाके में, जिस वजह से सभी लोग काफी डरे हुए होते। तभी जियान हैंगचोंग से पूछता है, आखिर ये सभी लोग इस एरिया से इतना डरे हुए क्यों है। जैसे हैंगचोंग बताता है कि अबिग ने जो डेमन सेक्स स्वामी है वो इस एरिया पे राज करता है और वो हाल ही में डाउवांग पर पहुंच चुका है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये है कि वो अबिग के लिए रैंक 4 की स्नेक मैजिकल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से हम लोग उसका सामना नहीं कर सकते और अगर हमें यहाँ से गुजरना है तो इसके बदले में कुछ पे करना होगा। ये सुनकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि डेमन सेक्स स्वामी अबिकली एक मैजिकल बीस्ट है और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे है जो कि लोगों को आसपास के लूट रहा है। ये सुनकर हैंगचोंग बोलता है, ये इसलिए क्योंकि जो डेमन सेक्स स्वामी था उसने एक बार स्नेक की डेमन पिल को चुरा लिया था जो कि एक रैंक 6 की पिल थी, और जब उसने उसे खा लिया तो उसके दिमाग की बल्बी जलने लगी और वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया कि अब वो इंसानों को लूट रहा है, क्योंकि वो एक नंबर का लालची और एक नंबर का लड़कीबाज है। और इसी वजह से हम लोग को इस बात की टेंशन है कि वो गोल्ड कॉइन लेकर इस मैटर को रफा दफा कर दे, क्योंकि उसकी नजर अगर सेकंड प्रिंसेस के ऊपर पड़ जाती तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनते ही जियान बोलता है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो लड़की बहुत ही प्यारी और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही हैंगचोंग बोलता है कि मैं भी यही होप करता हूं, और फिर उनका जो काफियाना होता है वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है। तभी उनकी काफियाने के आसपास काफी सारे स्नेक आ जाते हैं और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है। तभी वो सभी स्नेक होते हैं उस पूरे काफियाने को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से वो सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने आ जाता है डेमन सेक्स स्वामी, जिसे देखकर हैंगचोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी डेमन सेक्स स्वामी बोलता है, तुम्हें पता ही होगा यहाँ के रूल्सों के बारे में। ये सुनते ही हैंगचोंग बोलता है, बिल्कुल हमें पता है, और इस बॉक्स को आगे बढ़ाते हुए बोलता कि हमारी तरफ से छोटा गिफ्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको काफी तो पसंद आएगा। तो डेमन सेक्स स्वामी भी उसे ले लेता और खोल के देखता और बोलता ये बुरा नहीं है बिल्कुल भी, और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो हैंगचोंग भी उसे ग्रीट करता और अपने काफियानों को इशारा करते हुए आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी एक हवा का झोंका आता और एंजॉय की जो स्मेल होती है डेमन सेक्स स्वामी उसे सूंघ लेता है और वहाँ से जंप लगा के उनके काफियाने के सामने आ जाता और बोलता है जल्दी से उस लड़की को बाहर निकालो, मगर वो सभी ये बात सुन के बिल्कुल भी डरते नहीं और एंजॉय की रक्षा करने लगते है और एनकेन के एंसेस्टर की धमकी देने लगते है। मगर डेमन सेक्स स्वामी इससे बिल्कुल भी डरता बल्कि उनकी बेइज्जती करने लगता है। इस वजह से एंजॉय उसके ऊपर हमला कर देती अपनी तलवार से, मगर ये देखिए डेमन सेक्स स्वामी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो बल्कि हंसने लगता और बोलता है लड़की तो काफी तो कमाल की है, मजा आएगा, और अपनी जीजी का एक अटैक बनाता है और एंजॉय के ऊपर कर देता, जिस वजह से वो पीछे खिसकी हुई चली जाती है। और डेमन सेक्स स्वामी बोलता है, ओ सुंदर सी लड़की जल्दी से कोने आंतरे में आ जा मेरे पीछे पीछे, क्योंकि तेरी पकड़ से तो मुझे नहीं रोक सकती है, क्योंकि अगर मैं तुझमें एक रैप्टा मार दी तो उसी में बेहोश हो जाएगी। ये सुनकर जो हैंगचोंग होता है वो हमला कर देता है उसके ऊपर, मगर वो बहुत ही आसानी से उससे भी पीछे धकेल देता है और साथ ही जो स्नेक वो हमला कर देते बाकी की वॉरियर के ऊपर, जिस वजह से वो बेचारे उनसे लड़ने लगते हैं और एपिजियन ये सब देखकर काफी परेशान होने लगता है। तभी जो एंजॉय होती है वो हमला कर देती है अपने कुछ स्लैश अटैक से, मगर डेमन सेक्स स्वामी उन्हें बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। तभी आसमान से आवाज आती है रुको, और जो मैजिकल बीस्ट होते हैं उन सभी को मार डालती है। ये देखकर डेमन सेक्स स्वामी और भी भड़क जाता है और अपने और भी स्नेकों से हमला करने लगता है उनके ऊपर, मगर तभी अचानक से एक अटैक आता है और उन सभी स्नेकों को मार डालता है। ये देखिए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जो डेमन सेक्स स्वामी होता है वो तो हाथ पे जोड़ने लगता है और बोलते ये तो मेरी जगह है यार, इस वजह से मैं यहाँ पे जो करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए, और अगर तुम फिर से बीच में तो मैं इन सभी लोगों को एक बार भी मार डालूंगा। मगर इस बार वहाँ पर किसी की आवाज नहीं आती, इस वजह से डेमन सेक्स स्वामी काफी ज्यादा जोश में आ जाता और बोलता कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर वो मेरे चंगल से बच के नहीं जा सकती है। ये बोलते कि वो एंजॉय के ऊपर हमला कर देता है उसे दबोचने के लिए, मगर तभी उसके ऊपर कोई हमला कर देता है जिस वजह से वो काफी पीछे खिसक हुआ चला जाता है और बोलता सोल पावर तुम तो एल्केमिस्ट हो। और ये एंजॉय भी ये सब देखिए काफी ज्यादा हैरान थी और बोल रही होती आखिर में इतना ज्यादा पावर है जिसने दूर से इसे हरा दिया। और ये जो डेमन सेक्स स्वामी होता है उसकी तो डर के मारे से निकल चुकी होती है, इस वजह से वो तो वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है और साथ ही जो स्नेक थे वो भी वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। तभी एंजॉय उसी आवाज वाली डायरेक्शन तरफ ग्रीट करती है और बोलती कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, अगर आप चाहो तो मेरे सामने आ सकते हो, इससे मैं आपको इस मदद के बदले आपको पे कर पाऊँ। तभी आसमान से फिर से आवाज आती है और बोलती चोरी चिंता ना कर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा तुम्हें मदद की जरूरत है, मगर मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। ये सुनकर एंजॉय और भी प्यार से बोलती है अरे मास्टर कैसी बात कर रहे हो, अगर आप मेरे सामने नहीं आओगे तो मैं आपको इज्जत कैसे दे पाऊंगी। मगर आसमान से इस पर कोई भी आवाज नहीं आती है, इसलिए हैंगचोंग बोलता है कि सेकंड प्रिंसेस शायद वो हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं, इस वजह से हमें भी उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हैंगचोंग बोलते हैं ठीक है तो फिर यहाँ से चलते हैं, और वो अपनी बग्गी की तरफ जाने लगी। तभी उसे जियान की बग्गी के अंदर आग में कुछ काला लग रहा होता है और वो उसकी पत्नी के पास जाती है और उसका पर्दा हटा के देखती है। जब पे अपना वॉइस चेंजर हटा रहा होता है और सही टाइम पे हटा देता है और बोलते है सब कुछ ठीक तो है ना। ये सुनती हैंगज़ी अपने मन में बोलती अभी ये लड़का तो सही तरीके से रिकवर भी नहीं हुआ है, इस वजह से ये घंटा अपनी सोल पावर को यूज कर पाएगा, इस वजह से ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी स्माइल कर देता तो हैंगज़ी भी कर देती और बोलती है सब कुछ ठीक हो गया और वहाँ से चली जाती। तो जियान भी एकदम से रिलैक्स होकर बैठ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।